तो आज हम लोग फिर से मोल कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म्स में मोल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालना होता है, ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला जो देखा था कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बटा एवोगाड्रो नंबर। यहाँ हम लोग जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10²³। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर मोल इन टर्म्स ऑफ मास, यानी कि मास के टर्म में। ठीक है, मास के टर्म में मोल। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म में जो मोल क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मास के टर्म में मोल क्या है। वेट ऑफ 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड वन मोल, यानी कि 6.022 × 10²³, यानी जो एवोगाड्रो नंबर है उसका, मैंने कल पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, जो उसका वेट होगा वही उस सब्सटेंस का क्या होगा, वन मोल के बराबर होगा। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड का लेते हैं तो 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स का जो वेट होगा वही उसका मॉलिक्यूलर वेट, होगा। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट वही एक मोल होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। फार्मूला वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड वन मोल, या फिर किसी कंपाउंड का जो फार्मूला वेट होता है वही उसका क्या होता है, वन मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वन मोल इज इक्वल टू फार्मूला वेट इन ग्राम। ठीक है, लिख सकते हैं वन मोल इज इक्वल टू फार्मूला वेट किसमें, इन ग्राम, में फार्मूला, वन मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका जो फार्मूला वेट होगा, या एलिमेंट है, एलिमेंट का जो वेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन मोल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि वन मोल CaCO3 लेते हैं। ठीक है, तो अगर लेते हैं वन मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 कितना O3 ना 3 होगा, 16 × 3। ठीक है, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, उसी तरीके से अगर लेते हैं वन मोल NaOH लेते हैं, ठीक है, NaOH, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम का कितना 23, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना 16, प्लस हाइड्रोजन, कितना 1, ठीक है, 16 और 1 17 और 23 कितना आ जाएगा 40 ग्राम, 40 ग्राम हो गया। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं KMnO4 का देखते हैं। ठीक है, वन मोल KMnO4, ठीक है, तो वन मोल KMnO4 में कितना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम कितना होता है 39 होता है, ठीक है, और मैग्नीज का कितना होता है 55 होता है, ठीक है, और O4 है, ठीक है, 16 ऑक्सीजन का 16 × 64 हो गया। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे कितना 158 आ जाएगा, 158 ग्राम हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं वन मोल K2Cr2O7 का, ठीक है, K2Cr2O7 कितना हो जाएगा, पोटेशियम कितना 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा K2Si, क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम का 52 होता है, 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 16 सतह बल उतर से, ठीक है, टोटल को ऐड कर देंगे कितना जाएगा 294 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से C12H2O11 का निकाल देंगे कितना आ जाएगा 342 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं कुछ जैसे कि सब्सटेंस है,
सब्सटेंस है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट, ओके लेते हैं मोल, यहाँ लेते क्या मोल। अगर सब्सटेंस में अगर हमें एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट पहला, अगर सब्सटेंस में क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको पार्टिकल्स में क्या बोलेंगे, तो पार्टिकल्स में इसको बोलेंगे एटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे एटम बोलेंगे। और फॉर्मूला वेट में क्या बोलेंगे, इसको एटॉमिक वेट बोलेंगे, फॉर्मूला वेट में क्या बोलेंगे एटॉमिक वेट बोलेंगे, ठीक है। और मोल में क्या बोलेंगे, ग्राम एटम, मोल में इसको क्या कहते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम एटम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कंपाउंड कर लेते हैं, कंपाउंड का, तो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ क्या एक एलिमेंट है, लेकिन अगर H2 लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है, HCl लेते हैं, ये सब क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड को पार्टिकल्स में अगर लेते हैं तो क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल्स, नंबर में है ना, तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर्मूला वेट में क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर वेट, फॉर्मूला अगर वेट लेते हैं तो क्या बोलेंगे इसको, मॉलिकुलर वेट बोलेंगे, ठीक है। और इसको अगर मोल में लेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्राम मोल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको, ग्राम मोल बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम मोल, ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग तीसरा लेते हैं, रेडिकल्स लेते हैं, रेडिकल्स, सॉरी रेडिकल्स, रेडिकल्स, ठीक है। रेडिकल्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि OH माइनस हो गया, H प्लस हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, रेडिकल्स हो गया, ठीक है। तो रेडिकल्स में पार्टिकल्स में क्या बोलेंगे इसको, आयन बोलेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला वेट में क्या बोलेंगे इसको, आयनिक वेट बोलेंगे, IONIC, आयोनिक वेट बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, मोल में ग्राम आयन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये तो हम लोग इस्तेमाल तो करते ही हैं एलिमेंट्स में एटम, कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स, है ना, पार्टिकल्स में अगर लेते हैं तो, और रेडिकल्स में आयन्स, एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट, आयनिक वेट। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर मोल में रहे, अगर एलिमेंट्स रहे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राम एटम। अगर ग्राम एटम बोले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स है, वहाँ क्या है, एक एलिमेंट्स है। अगर ग्राम मोल बोले या ग्राम मॉलिक्यूल्स बोले तो वहाँ पे क्या है, वो कंपाउंड होगा, ठीक है। अगर ग्राम आयन बोले तो क्या होगा, वहाँ पे एक रेडिकल्स होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के लिए मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट्स, यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट फॉर एलिमेंट्स, जैसे कि आप लोग लिखते हैं, वन मोल ऑफ सी ए कैल्शियम, कैल्शियम का एक मोल बराबर कितना आइटम हो जाएगा, यहाँ देखिए एलिमेंट्स है ना, तो एलिमेंट्स के लिए क्या बताया, ठीक है, पार्टिकल्स में क्या एटम हो जाएगा, कितना 6.022 × 10²³ एटम्स हो जाएगा, ठीक है, ये एटम्स हो जाएगा, ठीक है। और कितना ग्राम हो जाएगा, तो कैल्शियम कितना ग्राम होता है, 40 ग्राम, 40 ग्राम हो गया, ठीक है। और कितना ग्राम एटम कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 1 ग्राम एटम हो जाएगा, कितना बराबर, 1 ग्राम एटम हो जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम एटम मोल में, है ना, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लेते हैं सोडियम का लेते हैं, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम, वही काम करेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम के लिए कितना हो जाएगा, 6.022 × 10²³ एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना ग्राम, सोडियम कितना, 23 ग्राम होता है, 23 ग्राम हो जाएगा, उसके बाद कितना मोल, तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, आगे कुछ इस पे प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, कल यहाँ पे निकालना है कैलकुलेटर नंबर ऑफ एटम, है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, है ना, अगर 2274 ग्राम क्या दिया हुआ है, बेरियम, ठीक है, Ba, बेरियम का 274 ग्राम दिया हुआ है, निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू व्हाट,
ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम क्या होगा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 274 ग्राम बेरियम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन किस तरीके का होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बेरियम, तो यानी कि वन मोल, क्या लिखेंगे, वन मोल बेरियम बी ए इजिकल टू कितना, 137 ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है, 137 ग्राम इजिकल टू कितना एटम होता है, एन ए एटम, या बोल सकते हैं इसको 6.022 × 10²³ 23, यहाँ पार्टिकल्स नहीं होगा, ये यहाँ पे एटम्स होगा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स लिया ना, एटम्स होगा। ठीक है, पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं क्या, एन ए एटम्स, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या है, 137 ग्राम में रिलेशन क्या बन रहा है, इनसे और इनसे रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है 137 ग्राम में एन ए एटम, तो 274 ग्राम में कितना एटम। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे 274 ग्राम में कितना हो जाएगा, बताइए, एन ए बाई कितना, 137 गुना 274, दो मरतबा हम कर जा रहे हैं ना। ठीक है, कितना, 2 एन ए एटम, सॉरी कैपिटल ए, एवोगाड्रो नंबर, ये एन ए जो है क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10²³ एटम्स, इतना एटम्स हो जाएगा, जो भी आएगा आप यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से थैंक यू, आज इतने रहने दीजिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।